देश का सर्वांगीण विकास ग्रामीण विकास के बिना अधूरा है। आज की हमारी विशेष चर्चा ग्रामीण विकास के मुद्दों से ही जुड़ी हुई है, जिसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि गांव में विकास के लिए किस दल की कितनी भूमिका रही। साथ ही राजनीतिक कार्यकर्ताओं से हम उन विषयों पर भी चर्चा करेंगे जो इन दिनों विधानसभा में हंगामे का कारण बने हुए हैं। तो आइए देखते हैं हमारी विशेष चर्चा रिपोर्टर दिनेश दसौंधी के साथ। नमस्कार, मैं हूँ दिनेश दसौंधी। जनता की बात और जनता के मुद्दों के साथ एक बार फिर से आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे ग्रामीण क्षेत्र की कि ग्रामीण क्षेत्र में कितना विकास भाजपा ने किया, कितना विकास कांग्रेस ने किया। फिलहाल यहाँ खरगोन विधानसभा में कांग्रेस का विधायक है तो प्रदेश सरकार बीजेपी की है। दोनों ही पक्ष, दोनों ही दलों के राजनीति के लोग, राजनीति से जुड़े लोग मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? श्रीराम पटेल। श्रीराम जी, ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रूरल डेवलपमेंट जो है बहुत ज़्यादा भूमिका रखता है, और रूरल डेवलपमेंट के लिए भाजपा ने क्या किया है? भाजपा ने हमारे किसानों के लिए पहले 18% ब्याज लग रहा था, जब भाजपा सरकार बनते ही उसको मतलब 0% में किया। कांग्रेस के समय में वो 18% ब्याज देना पड़ता था, और कभी वोटी हो जाते थे तो उसको किसान को या खेत या संपत्ति बेचनी पड़ती थी, ऐसी स्थिति पहले बनी रहती थी। आज बीजेपी के समय में हर घर, हर बच्चे, जितने बच्चे उतने मोबाइल, जितने घर में सदस्य उतने गाड़ी, ये बीजेपी कार्यकाल में हुआ है। कांग्रेस के समय में साइकिल चलाना भी बड़ी मुश्किल की बात थी। मतलब किसानों की उन्नति ग्रामीण क्षेत्रों में हुई है? हाँ, किसानों की उन्नति हुई है। एक तरफ तो भाजपा पे आरोप लगता है कि भाई भाजपा के शासनकाल में महंगाई बढ़ी है, किसानों की बात आप कर रहे हैं तो किसानों के DAP, यूरिया, कीटनाशक दवाइयों के सबके दाम बढ़े हैं। नहीं, वो भाव बढ़े, इसके अलावा हमारी तो फसल का भी भाव बढ़ा है। जैसे डॉलर अभी 10-12 हज़ार रुपये, कपास 8-8 हज़ार रुपये। मतलब उत्पादन की लागत बढ़ी है तो कीमतें भी बढ़ी है। अच्छा, और उस समय कांग्रेस के समय जो हमें ब्याज लगता था, आज ब्याज मुक्त, हम कोई टेंशन नहीं, साहूकार की तरह बैंकों को मानते हैं। अच्छा अजय जी, ग्रामीण क्षेत्र सबसे ज़्यादा भूमिका रखते हैं, कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या किया? आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, आपका नंदगांव के रहने वाले हैं, क्या किया ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कांग्रेस ने? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में हमारे कांग्रेस नेताओं ने किसानों के कर्ज माफ़ी भी की थी। सरकार में ऐसे ही 15 महीनों में कर्ज माफ़ी की योजना शुरू की थी, और सरकार गिरने के कारण पूरा कर्ज माफ़ नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही सरकार में आएंगे वापस कर्ज माफ़ी की योजना करेंगे। अच्छा, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस ने अभी नारी सम्मान योजना का जो ये निकाला है 1500 रुपये, उसके बाद गैस की टंकी 500 रुपये करेंगे सरकार में आते ही। गैस की टंकी 500 रुपये में करेंगे? आपको नहीं लगता कि गैस की टंकी 500 रुपये में करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर अतिरिक्त तो बोझ गिरेगा, विकास कार्य इससे बाधित होंगे? नहीं, अभी भाजपा के शासन में जो भाजपा गिना रही है कि हमने विकास कार्य किया है, लेकिन विकास कार्य इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। विकास के नाम पे केवल पुराने लोगों ने अपने बच्चों के नाम विकास रखे थे, बाकी कुछ भी काम विकास कार्य में नहीं, केवल नाम रखे हैं, केवल नाम ही रखे हैं। अच्छा, हाँ, विकास कार्य अगर जोड़ना चाहे तो अगर अभी जो सीधे में जो घटना हुई है उनको अगर ये इनका विकास बता सकते हैं, जो आदिवासियों पर अत्याचार हुआ है। आदिवासियों के अत्याचार में मध्य प्रदेश लगभग दूसरे नंबर पे पहुंच चुका है, और जो सिटी की घटना हुई है, सिटी के बाद धार जिले में भी घटना हुई है, धार जिले के आदिवासी भाई के साथ इंदौर में घटना हुई है। अभी आदिवासी वोटरों को कांग्रेस का खास समर्थक माना जाता है, इस तरह की घटना से क्या कांग्रेस को फिर से आदिवासियों का समर्थन मिल पाएगा? जी बिल्कुल मिलेगा, और आदिवासियों का समर्थन पूरा मिलेगा और कांग्रेस की सरकार बन रही है। श्री राम जी, अजय जी ने कहा कांग्रेस की सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में, वो तो कांग्रेस का पहले से ही ये कहना है। ये तो सबको दिख रहा है कि बीजेपी की सरकार इस बार बन रही है, क्योंकि कांग्रेस ने जो कर्ज माफ़ी का वादा किया था 10 रोज का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, जो वो आदमी झूठ बोल सकता है तो नीचे का आदमी कितना झूठ बोल सकता है। इस बार भी तो कांग्रेस बहुत सारे वादों के साथ जमीन पर आ रही है। बस वादे रहेंगे, क्योंकि अभी देखो नारी सम्मान के कागज ले रही है, कहीं तुमने देखे कि कोया कचौरी खा रहे हैं उसमें लोग? अच्छा, तो ये केवल कोरी घोषणाएं आपको लगती हैं? ये कोरी घोषणाएं नहीं, ये लेने की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब आदमी डायरेक्ट डालने वाला ऐसा है कि फार्म भरवाना, पहले भी कर्ज माफी कैसे फार्म भरवाए थे, वो फार्म धरे रह गए। 16 महीने चांस मिला था, 16 महीने का चांस मिला था कर्ज माफी करने वाले थे, तो 10 दिन के बजाय 10 महीने में कर सकते, पर 16 महीने में नहीं कर पाए तो आप क्या कर पाएंगे? अजय जी ने एक बात और कही जो इस चर्चा का मुद्दा भी है, क्योंकि आदिवासी वोटर मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी भूमिका रखते हैं, लगभग 18% मतदाता आदिवासी वोटर हैं,
आदिवासियों के साथ मध्य प्रदेश में जो हो रहा है, क्या सही हो रहा है? आदिवासियों के साथ मतलब जो घटनाएं हो रही, उससे तो बीजेपी भी, मतलब हमारे मुख्यमंत्री भी पीड़ित थे, उन्होंने भी उनके पैर धोल के मतलब अपनी गलती स्वीकार की। पहले गलती कर दो और फिर सॉरी बोल दो, ये अंग्रेजों की प्रथा हमारे देश में रह गई, तो क्या है? ये सही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं है कि हमारा कोई ऐसा कहीं कर देगा, ऐसी कोई नहीं रहती। पर वो कहीं हो गई तो इनके कांग्रेस में तो वो मतलब स्वीकार नहीं करने को तैयार है, पर हमारी बीजेपी अच्छी थी, गलती को खुद स्वीकार भी कर लेती है। भाजपा में एक सबसे बड़ी बात ये, जो सीटी की घटना को अपन देखें तो छुटभैयों नेताओं की राजनीति चमक गई है। जो विधायकों के नीचे काम करते हैं, जो सांसदों के नीचे काम करते हैं, वे लोग अपनी राजनीति को चमका रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा की छवि भी इससे खराब हो रही है। वो छवि खराब करने की कोशिश नहीं, तो आदिवासियों के हित में इसके पहले कितनी गरीबी गई थी, रुपयों किलो गेहूँ अनाज, सरकार इससे पहले बहुत भूखमरी चलती थी, 8-15 रोज में गेहूँ का अनाज खाने को नहीं मिलता था। आज देखो मतलब रुपये किलो में पूरे आदिवासी बेल्ट में गेहूँ न मतलब व्यवस्थित पहुँच रहा है। ऑनलाइन समिति वालों को अलाउंस करना पड़ता है कि आपकी गेहूँ ले जाओ, न पहले ऐसा नहीं था, समितियाँ अपने आप बर्बाद करके वो खा जाती थी। अजय जी, एक श्री राम भाई ने एक बात कही कि अब जो है एकदम क्लियर काम हो गया है, जैसे इन्होंने समिति की बात कही, सब चीज़ों के हितग्राहियों के खाते में जान डालने की बात कही, तो कहीं ना कहीं ऐसा कांग्रेस पर आरोप लगता है, कई बड़े बड़े नेता कहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर था। देखिए, भ्रष्टाचार तो आपको ही दिख रहा है कि किसके सरकार में चरम पर है। अभी जो काम चल रहा है, अभी भ्रष्टाचार का, प्रियंका जी जब जबलपुर आए थे उस टाइम प्रियंका जी ने बोला था कि यह सरकार में आते ही हम भ्रष्टाचारियों को कार्रवाई करेंगे, तो उसी रोज सतपुड़ा भवन में आग लग गई। इसका क्या कारण था कि सतपुड़ा भवन में आग लगी? सतपुड़ा भवन में आग लगना भ्रष्टाचार का? हाँ, भ्रष्टाचार ही, भ्रष्टाचार की सारी फाइलें उसी में थी, इसी कारण उसमें आग लगा दी गई। कैसा? हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो समस्या रहती है पानी की, बिजली की और सड़क की। पानी को लेकर के हमारे आसपास के कई गांव समस्या से गूंजते हैं, गर्मी के समय में सबसे ज़्यादा परेशानी रहती है। कांग्रेस और भाजपा ने पानी को लेकर के क्या किया, ये जानने का प्रयास करते हैं। श्री राम जी, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, आप भी ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से ही आता हूँ, और हम ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखते हैं कि पानी की समस्या सबसे ज़्यादा रहती है। आपके छोटी उम्र में भी पानी की समस्या गर्मी के दिनों में रहती है, भाजपा इसके लिए क्या कर रही है? भाजपा इसके लिए प्रयास कर रही है वहाँ से हमेशा। इस बार भी पानी की जब समस्या आई थी तो हमारे नेताओं ने पानी की व्यवस्था करने के लिए ट्यूबेले और ये मतलब पानी सूखा की तरह था अगले वर्ष, पर वहाँ से ट्यूबेले और ये भेजकर वो गांव की समस्या हल करने का पूरा ये प्रयत्न किया। जैसे तुम्हारे ऊन में अभी पानी की पिपरी तालाब से, मतलब ये सोच नहीं सकते थे, तुम्हारे गाँव के हिसाब मतलब कर दिया। हमारे छोटा गाँव है, मतलब उसके हिसाब से हमने भी मांग रखी थी, पर वो प्रस्तावित नहीं हुआ। अजय जी, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी, बिजली और सड़क की समस्या सबसे ज़्यादा रहती है। कई इलाकों में सड़कें सही नहीं, कई इलाकों में पानी की समस्या से जूझते हैं, तो इस पर कांग्रेस का क्या प्लान है, आगे भविष्य में क्या करने का सोचा है? देखिए, भाजपा का तो काम ही है श्रेय लेना, क्योंकि पानी की जो समस्या थी वो कांग्रेस की सरकार में पूर्ण रूप से सही हुई है। स्वर्गीय सुभाष यादव जी ने इंदिरा सागर परियोजना बांध जो लाए थे नर्मदा, और उन्हीं के कारण ये पिपरी तालाब में भी पानी आ रहा है। अच्छा, मतलब पिपरी तालाब को आप कांग्रेस की देन बताते हैं? जी बिल्कुल। कुछ मैंने पिछली बारों में चर्चा की है तो कुछ लोगों ने उसको बालकृष्ण पाटीदार की देन बताई है, आप सुभाष यादव की देन बता रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि श्रेय लेने का काम भाजपा का है, केवल भाजपा श्रेय ले रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कांग्रेस के शासन काल में ये सब कुछ हुआ है? सब कुछ स्वर्गीय सुभाष यादव जी की देन है, नर्मदा का पानी लाना। नर्मदा के वरद पुत्र भी कहे जाते रहे और नर्मदा के लिए प्रयासरत भी रहे। बिल्कुल। खरगोन में आपको क्या लगता है कि इस बार खरगोन में क्या स्थितियां बनेगी, किसका वर्चस्व रहेगा, कौन टिकट में बाजी मार पाएगा? देखिए, खरगोन में 6 विधानसभा पर 6 सीटों पर कांग्रेस की पूर्ण रूप से जीत होगी। और खरगोन विधानसभा के? खरगोन विधानसभा में अभी जो वर्तमान विधायक रवि जोशी जी है और आगे भी वही रहेंगे, और इसके बाद हाईकमान के ऊपर फैसला है, जो जिसको भी टिकट देगा हम उनके साथ। तो ये थी आज की हमारी विशेष रिपोर्ट, जिसमें हमने छोटी उनके श्रीराम भाई पटेल और नंदगांव रोड के अजय भाई पाटीदार से बातचीत की। दोनों ने ही बेबाकी से अपनी बातचीत को रखा। आगे भी ऐसी ही चर्चाओं के साथ मैं हाजिर होता रहूँगा। आपको बता दें कि हमारा ये चुनाव की बात का, चुनावी बात का कार्यक्रम लगातार गांव-गांव पहुँचेगा। आपके गांव भी हम बहुत जल्द पहुँचेंगे।
आप हमारे इस कार्यक्रम को डिजाना विजन न्यूज के माध्यम से देख सकते हैं, केबल के माध्यम से देख सकते हैं, साथ ही यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। आपकी कमेंट्स और आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। हमारे चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आप अपना प्रश्न भी हमें भेज सकते हैं। आज की रिपोर्ट में इतना ही। आगे फिर एक इसी रिपोर्ट के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। कैमरा पर्सन दुर्गेश कुमार के साथ दिनेश दसूंदी, SW24। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।